हो रही है, कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, यही बताने के लिए हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा होता है। आज हमारे साथ सनी अग्रवाल हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सनी मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स आपने लिए हैं? या गुड मॉर्निंग। तो आज का मेरा पहला पिक रहेगा एपीएल अपोलो ट्यूब लिमिटेड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 1325 है और मेरा टारगेट प्राइस 1500 रुपीज रहेगा। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो एक कंपनी एक लीडिंग स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर है। इनकी करंट जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 3.6 मिलियन टन है एंड द प्लांट इज स्प्रेड अक्रॉस 11 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और ये जो इनकी जो कैपेसिटी है अब 5 मिलियन टन तक एक्सपेंड कर रहे हैं। और इसका जो मेन जो है बेसिकली जितना भी जो एक्सपेंशन आ रहा है इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो इसके चलते हुए आगे जाके अगर हम देखेंगे इनका ईबिटा पर टन एक्सपेंड होगा। हमारा ये मानना है कि कंपनी FY25 में तकरीबन 1300 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी और एट करंट मार्केट प्राइस 32 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द क्वालिटी बिजनेस टू बी एडेड इन मिड कैप पोर्टफोलियो। और मेरा दूसरा पिक रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगेन इट इज अ प्ले ऑन इथेनॉल स्टोरी। तो करंट मार्केट प्राइस 395 है और मेरा प्राइस टारगेट 480 का रहेगा। कंपनी वन ऑफ द लीडिंग इथेनॉल और ब्रीवरी प्लांट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। कंपनी का इन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन कंपनी तकरीबन 100 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है। इनकी जो ऑर्डर बुक है FY23 की 3400 करोड़ की थी जो कि तकरीबन 1 टाइम्स FY23 सेल्स के इक्विवेलेंट है जो कि काफी अच्छी विजिबिलिटी दिखाता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और एट द सेम टाइम इनका जो ऑर्डर इनटेक था फोर्थ क्वार्टर में 1000 करोड़ का था जो कि काफी अच्छा ऑर्डर इनटेक रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो डेट फ्री बैलेंस शीट है, 600 करोड़ कैश है कंपनी के बुक्स पे। और अगर हम ये कंपनी में अगर एक स्ट्रक्चरल चेंज देखते हैं कि FY 2021 में कंपनी 1000 करोड़ की टॉप लाइन करती थी और आज वो टॉप लाइन क्वार्टरली कर रही है, मतलब मोटा मोटी 3.5 से 4 हजार करोड़ का टॉप लाइन अब सालाना आ रहा है ये कंपनी में। कंपनी का जो एक आगे जाके एक बड़ा ट्रिगर है वो है करेक्शन इन मेटल प्राइसेस जो कि अभी तक कंपनी का जो मार्जिन 9% है एबिटा लेवल पे। ये हमें लगता है कि विद करेक्शन इन मेटल प्राइसेस मार्जिन एक्सपेंशन का भी एक स्कोप FY24 में देखने मिलेगा। तो डेफिनेटली एक मिड कैप पोर्टफोलियो में एड है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 480। ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया दोनों शेयर्स बताने के लिए, एपीएल अपोलो और दूसरा प्राज इंडस्ट्रीज़। प्राज इंडस्ट्रीज़ का आपने काफ़ी डिटेल में बताया और एक काफ़ी शेयर बेहतर भी है, 480 आप इसका टारगेट दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज इन दोनों स्टॉक्स को बताने के लिए।